हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी चिकन दही मसाला। चिकन दही मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को धोकर साफ कर लेना है। चिकन को हमने बढ़िया से धोकर साफ कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला डाल लीजिए। आधी चम्मच नमक स्वाद अनुसार। चिकन के क्वांटिटी से ही मसाला डाले। हमने आधा केजी चिकन लिया है। आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी नींबू का टुकड़ा लेकर इस तरह से रस निचोड़ लेंगे। यहाँ पे चिकन में नींबू जरूर डालें। नींबू डालने से चिकन का जो भी स्मेल होगा सब बाहर आ जाएगा। तो सभी मसाले को हम हाथों से इस तरह से चिकन के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने बढ़िया से मिला लिया है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आधे घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। मेरे पास समय नहीं था तो मैंने इसी तरह बना लिया है। गैस पे एक हम कढ़ाई ले लिए हैं। कढ़ाई को बढ़िया से गर्म कर लेंगे और 3 से 4 चम्मच लगभग तेल डालेंगे। तेल का यूज यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करें। चारों तरफ इस तरह से हम मिला लेंगे। तेल को बढ़िया से गर्म करेंगे। अब देख पा रहे तेल से धुआं आना चाहिए। इस तरह के हम तेल गर्म कर लेंगे। इसके बाद एक एक पीस करके डाल देंगे चिकन को। गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर चिकन को बढ़िया से फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब पक जाए तो दूसरे तरफ से इस तरह से पलट लेंगे। दोनों साइड से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब देख पा रहे हैं कलर कितना बढ़िया आ रहा है। काफ़ी क्रिस्पी लग रही है। इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह सारे चिकन को डालकर तेल में बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे चिकन जब भी आप फ्राई करें तो तेल को बढ़िया से गर्म करके ही फ्राई करें। आपका चिकन बढ़िया से फ्राई हो पाएगा। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ खड़ा गरम मसाला ले लिया है। एक दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी और 1 चम्मच जीरा सभी को एक साथ डाल देंगे। इसी तेल में बनाएंगे जो हमने चिकन फ्राई करके लिया था। 1 मिनट तक सभी गरम मसाला को बढ़िया से पका लेंगे। 1 मिनट होते ही बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज हमने लगभग 2 बड़े साइज के प्याज ले लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर बढ़िया सा कलर आने तक भून लेंगे प्याज को, गोल्डन सा कलर आने तक। प्याज में बढ़िया सा कलर आ गया है। आप देख पा रहे हैं इस तरह के कलर आ जाए। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच। प्याज के साथ इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम आप लो कर लीजिए क्योंकि अब हम मसाला ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सभी को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे और मसाले के साथ इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मसाले को पका लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब ढक्कन हटाकर इस तरह से मसाले को हम चेक कर लेंगे। तो देखिए मसाले से काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। अब इस तरह से हम 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से मसाले को भूनेंगे। मसाले जब 2 से 3 मिनट भून जाए तो यहाँ पे हम अब चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी डालकर मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से। चिकन में बढ़िया से मसाले कोट हो जाने चाहिए। इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। बढ़िया से जब मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट चिकन को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गया है, देख पा रहे हैं आप चिकन काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। अब इस तरह से बढ़िया से मिक्स करेंगे चिकन को और 2 मिनट तक और बढ़िया से हम भून लेंगे चिकन को। दो मिनट जब हो जाए चिकन के भुने हुए, तो यहाँ पे अब हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो ही होना चाहिए, तो दही हमने 3 चम्मच डाले हैं। अब लो फ्लेम पर बढ़िया से दही को चिकन के साथ इस तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते हुए चिकन को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक और हम भून लेंगे। यहाँ पे 3 हम हरी मिर्च डालेंगे 2 भाग में चीर कर, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी बढ़िया लगेगा। हरी मिर्च डालने के बाद 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, चिकन गरम मसाला, इसे भी साथ में बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से चिकन को हम भून लेंगे। चिकन को हमने बढ़िया से भून लिया है, अब देख पा रहे हैं कलर भी बढ़िया से आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। आप अपना ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल लीजिए, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लीजिए। हम ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रहे हैं, हल्का सा लटपट बना रहे हैं। तो उबाल आते ही यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ढककर 1 मिनट तक गैस पर इसी तरह छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। एक बार इस तरीके से आप चिकन दही मसाला बना लेंगे तो सब उंगलियां चाट कर खाएंगे, काफ़ी टेस्टी बन के रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।